हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सांभर मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सांभर मसाला बनाने के लिए हमने जो खड़े मसाले लिए हैं उसका नाम है धनिया, जीरा, सरसों दाना यानी कि मस्टर्ड सीड, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, मेथी दाना, दाल में हम चना दाल लिए हैं, उड़द दाल, इसको सफेद दाल भी कहते हैं, थोड़ा सा हम सूखा हल्दी पाउडर लेंगे, हींग यूज करेंगे और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, नारियल के कुछ पीसेस है जो सूखे नारियल को हमने काट लिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता हम यूज करेंगे। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। सांभर मसाला बनाने के लिए हमने गैस पे एक बड़ा सा कढ़ाई रख लिया है, आप कोई भी पैन रख लीजिए, और इसमें हम मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें धनिया रोस्ट करेंगे, क्योंकि सभी मसाला रोस्ट करने का टाइमिंग अलग अलग होता है, तो हम नंबर वाइज डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, कोई मसाला जो है ज्यादा भुन जाता है और कोई कम, फिर वो मसाला कड़वा लगने लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धनिया डाले हैं। धनिया को हम आधा मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। ध्यान रहे, फ्लेम हमें स्लो रखना है। जब हमने कढ़ाई गर्म कर लिया तो फ्लेम को स्लो करके ही भूनना है, तभी अच्छे से मसाला ये अपना भूनता है। आधा मिनट हो चुका है, अब हम यहाँ पे डालेंगे जीरा। जीरा को भी हम आधा मिनट धनिया के साथ भून लेंगे। जीरा अपना भून चुका है, अब हम यहाँ पे डालेंगे सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पे आप कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए, नहीं तो ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इसे भी हम धनिया और जीरा के साथ आधा मिनट तक भूनेंगे। अब हम डालेंगे मेथी दाना। तो मेथी दाना बहुत कम भूना जाता है, नहीं तो इसका टेस्ट सांभर में कड़वा आने लगता है। तो यहाँ पे हम लास्ट में मेथी दाना डाल रहे हैं, साथ में हम डालेंगे ये ब्लैक पेपर। सभी मसाले को हम कुछ मिनट तक भूनेंगे। अब हम डालेंगे नारियल और कड़ी पत्ता। ये सूखा नारियल है, इससे बहुत ही बढ़िया सांभर में स्वाद आता है, तो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड बहुत जल्दी चटक जाता है, तो हम इसे बाद में डालते हैं। मसाला से अच्छी खुशबू आने तक हमें भूनना है, आप ये बात ध्यान रखें। हमें दाल डालना है, तो दाल को हमें मॉइस्चर खत्म होने तक ही भूनना है। तो यहाँ पे हम चना दाल डाल रहे हैं, साथ में ही हम इसमें उड़द दाल भी डाल दे रहे हैं। इन सारे इंग्रीडियंट्स को अब हमें अच्छे से कड़ारा होने तक भूनना है। ध्यान रहे, जलने नहीं देना है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आए तब तक हमें भूनना है। तो हम इसे 2 मिनट ही भूनेंगे स्लो फ्लेम पे, तो ये तैयार हो जाता है। हमने मसाला को अच्छे से रोस्ट किया है, यानी कि 2 से 2.5 मिनट लग गया हमारा मसाला रोस्ट करने में। आप सुन सकते हैं इसमें से खनकने की आवाज आ रही है। कड़ी पत्ता की कलर देखिए, ये भी सूख चुका है, मिर्च भी। तो इसका सिंबल है कि अपनी सारी मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। मसाला अपना रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है और क्रिस्पी भी हो चुका है, तो चलिए हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ छोटा वाला जार लिया है और इसमें सभी मसाला ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच हल्दी, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च है तो वही डालिए, नहीं तो मार्केट से मिली हुई पाउडर भी डाल दीजिए, कलर बढ़िया आता है। तो चलिए हम ढक्कन लगा के इसे पीस लेते हैं। हमने सांभर मसाला पीस लिया है, तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी मसाला तैयार हुई है। आप मार्केट से भी लाते होंगे और ये भी मसाला देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम तैयार हुआ है। और खुशबू का क्या कहना, जब आप बनाएंगे तो पता चलेगा। अब इस हम मसाले को एक बाउल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं।
आपको जितना जरूरत है उतना डालिए और जो बचा हुआ है उसे स्टोर करके आप 20-25 दिन महीना दिन तक खा सकते हैं। अगर इधर खराब होने का डर है तो आप चार को फ्रिज में रख के खाइए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया सांभर मसाला बनाना कितना आसान है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और ताजी ताजी मसाले का आनंद लीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।